पथिक निवास के तत्वाधान में दो दिवसीय नौका विहार फूड फेस्टिवल का आयोजन नौकायन स्थित महंत दिग्विजय नाथ पार्क में किया गया, जिसका उद्घाटन एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह के द्वारा फीता काटकर किया गया, जिसके संबंध में होटल पथिक निवास के प्रबंधक राजेश मणि त्रिपाठी ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से घरेलू पर्यटकों का आगमन कम हो गया है और व्यापार में भी कमी आई है, जिसको देखते हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों में फूड फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जो 2 दिनों तक चलेगा। उन्होंने बताया कि फूड फेस्टिवल में अलग अलग तरह के पराठे जैसे गोभी पालक पराठा सत्तू का पराठा पनीर पराठा सहित अन्य पराठों का स्टॉल लगाया गया है। उन्होंने बताया कि हमारा लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को घरेलू खाद्य पदार्थों का सेवन करने का अवसर मिले। इस अवसर पर नौकायन विकास समिति के सचिव राधेश्याम निषाद उप सचिव अमर निषाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए होटल पथिक निवास के प्रबंधक राजेश मणि त्रिपाठी व एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा देखने के लिए काफी देर से व्याकुल की इंतजार कर रही थी और अभी वो समय पूरा हुआ। अब हम यहाँ से अपना कार्यक्रम फिर से आगे बढ़ाते हैं। आप आए सर, आपका धन्यवाद सर। हम लोग आपको टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से, टूरिज्म कॉर्पोरेशन की तरफ से अपने वित्त और राजेश अपर जिलाधिकारी वित्त और राजेश श्री राजेश कुमार सिंह साहब का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर ने अपना आज बहुमूल्य समय इस टूरिज्म कॉर्पोरेशन के फूड फेस्टिवल को प्रमोट करने के लिए अपना दिया, इसके लिए पूरे टूरिज्म कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सर ने अपना अमूल्य समय दिया। सर ये मैं अवगत करना चाहूँगा कि ये फूड फेस्टिवल सर हमारे टूरिज्म कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है विभिन्न शहरों में आज की डेट में किया जा रहा था, वाराणसी इलाहाबाद लखनऊ सीतापुर आगरा अन्य सब जगहों पर। इसको करने का मुख्य उद्देश्य यह है सर कि हम टूरिज्म कॉर्पोरेशन को प्रमोट करें और जो हमारी फूड टूरिज्म है सर, जो है जो आइटम्स हैं सर जो प्राइवेट सेक्टर में लोग जाते हैं और वो इसके प्रति आकर्षित हों सर, जो है अपनी प्लानिंग करें सर, घर से बाहर निकलें। चूँकि सर गोरखपुर में हमारी कोई यूनिट नहीं थी और जो हमारी नियरेस्ट यूनिट है सर होटल पथिक निवास कुशीनगर में सर, काफ़ी अच्छी यूनिट है, आपने देखा भी है सर, और तमाम वीआईपी और पर्यटकों का आगमन वहाँ पे होता है सर। इस उद्देश्य भी इसको गोरखपुर में किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये गृह जनपद है सर जो है, और यहाँ टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाए जाने के लिए विभिन्न योजनाएँ और परियोजनाएँ क्रियान्वित हैं, चल भी रही हैं सर, जिसमें कि खासतौर से जिला प्रशासन का और संस्कृति विभाग का सर इसमें काफ़ी सहयोग करता है। आपको भी अवगत कराना चाहूँगा कि हाल ही में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए गोरखपुर महोत्सव का आयोजन हम लोगों ने किया था। कल्चर डिपार्टमेंट टूरिज्म ने मिलकर चोरी चोरा फेस्टिवल का आयोजन किया था। इन दोनों आयोजनों का जो नोडल ऑफिसर जो नियुक्त किए गए थे वो हमारे अपर जिलाधिकारी वित्त राजेश साहब हैं और हम लोगों ने अपनी इतनी सफलता के साथ आपके मार्गदर्शन में गोरखपुर महोत्सव का आयोजन सफलतापूर्वक किया सर जी, और उससे भी अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक कम समय में जो चोरी चोरा महोत्सव का आयोजन किया
उसको समापन किया और चौरी चौरा महोत्सव वर्ष पर्यंत मुझे अगले जो है 4 फरवरी 2022 तक करना है आपके मार्गदर्शन में, आपकी गाइडलाइन में। तुम हर सवाल का जवाब हो, आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं, खुश नसीब आज यहाँ पे हम लोग फूड फेस्टिवल कर रहे हैं, जिससे कि होटल पथिक निवास में घरेलू पर्यटन, क्योंकि कोविड-19 की वजह से पर्यटकों का आगमन बिल्कुल शून्य के बराबर हो गया है। 2020-21 में जो है हम लोगों का बिजनेस बिल्कुल कम रहा है। प्रयास ये हो रहा है कि हम लोग का आने वाला जो सीजन हो, आने वाला समय हो, वो घरेलू पर्यटन से जोड़ करके इसको बिजनेस को और अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। और अभी राज्य सेक्टर के अंतर्गत जो है पर्यटन विभाग से होटल पथिक निवास को काफ़ी जो है उसका जीर्णोद्धार किया गया है, सुंदरीकरण किया गया है। हमारे यहाँ स्वीट भी अच्छे हो गए हैं, एसी डीलक्स के कमरे भी अच्छे हो गए हैं, और जो भी कमरे हमारे बहुत सुंदरीकरण कराया गया है। इससे जो है हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस तरह का आयोजन करके पर्यटकों को मैक्सिमम हम लोग जोड़ें, जिससे कि हमारी आय दिन पर दिन और बढ़े। इस तरह का आयोजन कहाँ कहाँ हो रहा है? आज आगरा में हो रहा है, इलाहाबाद में हो रहा है, कुशीनगर से तो हम गोरखपुर में कर ही रहे हैं, चित्रकूट में हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है, कई ऐसे जगहों पर ऐसा हमारा आज का दिन कार्यक्रम हो रहा है, जो दो दिन है, आज भी है और कल भी है। सर, आपने उद्घाटन किया फूड फेस्टिवल का, क्या कहना चाहेंगे? जैसा आप सब जानते हैं, रामगढ़ ताल एरिया है, यहाँ स्थानीय और बाहरी पर्यटकों का आवागमन है, उनको अच्छा शुद्ध साफ सुथरा भोजन मिले, नाश्ता मिले, उसके लिए यूपी टूरिज्म कॉरपोरेशन का ये प्रयास है। आज वो अपना फूड फेस्टिवल मना रहे हैं, वो प्रदर्शित कर रहे हैं कि वो कितने निपुण हैं अच्छा फूड प्रोवाइड करने में। सर, ये आयोजन कहाँ कहाँ हो रहा है प्रदेश में? यहाँ पे बस ये जैसा बताया गया कि प्रदेश के सभी जनपदों में जहाँ जहाँ भी टूरिस्ट कॉरपोरेशन है वहाँ पर ये फेस्टिवल आज मनाया जा रहा है। सर, कुछ चार्ज भी किया जा रहा है? जी, चार्ज भी निश्चित रूप से चार्ज रहेगा।